Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وأما السائل فلا تنهر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله جنو درود ہوندا پڑھو اوے اللہ دے بندیو ایک منٹ غور کرو ذرا جدوں بھی قران پاک دی آیا مقدسہ پڑھی جاندی ہے نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اے آیا مقدسہ دے پڑھ دے نال ہر کلمہ پڑھن والے مسلمان دے اوتے واجب ہو جندا میرے نبی دی ذات تے درود پڑھے सलातो सलाम अलैका या सैयद या रसूल अल्लाह वाला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह खाली न मोड़ी हो जग छड़ के सारा तेरे दर ते आई जग छड़ के सारा तेरे दर ते आईया खाली न मोड़ी मिलके पढ़ लो खाली न मोड़ी ओ ते बाद साया जग छड़ के सारा तेरे दर ते आईया तेरे मंगतियां दा रुतबा कमाले तेरे मंगतियां दा रुतबा कमाले कोई अवे जग छड़ के सारा तेरे दर ते आईया जग छड़ के सारा तेरे दर ते आईया पंज तन वक्ते निजाते मुखड़ा विखा वक्ते निजाते मुखड़ा विखावी दीदार तेरा दीदार
प्यार तेरा ओ सड़िया दवाया दीदार तेरा दीदार तेरा ओ सड़िया दवाया जग छड़ के सारा तेरे दर ते आईया जग छड़ के सारा तेरे दर ते आईया जग छड़ के सारा तेरे दर ते आईया। सारे बोलो सुभान अल्लाह। दोस्ताने मुहतरम बिला तमहीद अपने मौजू की तरफ वधांगा अल्लाह करीम लजपाल नबी दा सदका मुहम्मद रियाज साहब ने जी इस महफल का इनेकाद किया अल्लाह करीम इस महफल में शर्फ कबूलियत अता फरमाए तुसा अहबाब दा इत्याना जिक्र खैर दी महफल नु सुनना मालिक सोना अपनी बारगाह कबूल फरमाए। दोस्तों ने मोहतरम मैं जड़ी नात पढ़ी इस नात दा शेर है कि खाली ना मोड़ी तैबा दिसाइयां और मैं अपने मौजूदा आगाज भी लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे को गुलाम दो करांगा कि जड़ा केड़े अंदाज दे अंदर ते केड़े हुलिये दे अंदर हुजूर दे कोल आया। मैं तुहानू एक दुआ देन लगे इब्तदा दे अंदर उस दुआ नू एंड तक तुसी पचा के भी रखना है। अल्लाह दी बार गचे दुआ करांगे कि अल्लाह सोनिया जेड़ा मुहब्बत नाल ते ज़ौक दे नाल तेरे नबी दे जिक्र नू सुन के सुभान अल्लाह खे उनू उंदे मां प्यो दे नाल हज ते उमरे दी सादत अता फरमा जेड़ा होर थोड़े जे ज़ौक दे नाल आखे अल्लाह सोनिया हर साल उनू दे पीरो मुर्शिद दे नाल हज उमरे दी सादत अता फरमा। बोलोगे तो तुहाडा फायदा है ना बोलोगे तो जे खाली आए तो खाली टुर गए तो फिर फायदा कोई नहीं। हुजूर दे को गुलाम ने जिन्ना दा नाम है हजरत अब्दुल्ला मुजनी रदी अल्लाह ताला किसे दूर इलाके च रहिंदे ने हुजूर अली सलातो सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया ते हुजूर दे ऐलान नबूवत दीआं गल्लां इस बंदे दे कोल पड़ गईआं। कलमा पढ़िया मुसलमान हो गया इस्लाम दी दौलत दे नाल मालामाल हो गया। दिन गुजरिया रात गुजरी हफ्ता गुजरिया महीना गुजरिया ते दिल दे अंदर ख्याल आया अब्दुल्ला जिस मुस्तफा दा कलमा पढ़िया उस मुस्तफा दा दीदार ना कर आईए जिन्हों दीदार दा ज़ौक जरा बोलो जरा सुभान अल्लाह। दिल दी हसरत वधी विछोड़े ने सताया विछोड़ा हद तो वध्या ते मुहम्मद अली जहूरी कसूरी दी नजर हुजूर दे गुलाम दी तरफ आ गई कसूर दी सरजमीन ते बैठा उन्हें हुजूर दे गुलाम दा तज़किरा अपने अंदाज दे अंदर कीता के हुजूर दा गुलाम अपना दिन रात किवें गुजारदा होवेगा। मुहम्मद अली जहूरी कसूरी ने अपना कलम उठाया और हुजूर दे उस गुलाम दे उस विछोड़े दा जिक्र कीता के हुजूर दा गुलाम की कहिंदा उन्हें तुसी सुभान अल्लाह को जरा। दोस्तों ने मोहतरम हजरत अब्दुल्ला मुजनी रदी अल्लाह तआला अन्हु दा दिन रात किवें गुजरदा है किवें सोचा केड़ियां सोचा दे अंदर गुजरदा है की अर्ज़ा करदे होने ने बस इयो सदावां लाउंदे होणगे विछोड़े दे मैं सदमे रोज झल्ला या दिल करदा है नबी दा दीदार करिए मोहब्बत नाल पढ़ो विछोड़े दे मैं सदमे रोज झल्ला या रसूल अल्लाह करा मैं ते रिया दिन रात गल्ला या रसूल अल्लाह। दोस्तों ने मोहतरम हजरत अब्दुल्ला मुजनी बाप दा साया सिर ते कोई नहीं
हजरत अब्दुल्ला मुजनी चलते चलते अपनी अम्मा दे कोल आए ने। आखे अर्ज करते ने, अम्मा मैं जड़े नबी दा कलमा पढ़िया, मेरा दिल करदा मैं अपने नबी दा दीदार करावा। अम्मा मैं तेरी इजाजत लैन आया, मां दियां अखां दे अंदर आंसू आ गए। मां कहिंदी वे पुत्रा तेरी जिंदगियां दी जिंदगी दियां डोरा मेरे हाथ अंदर कोई नहीं, तेरी मालिका मैं नहीं, तेरी मां मैं जरूर हां, पर तेनू पालन वाला तेरा चाचा है, तेरे खर्चे उठान वाला तेरा चाचा है, जाके उंदे कोल इजाजत लेके आ जाऊ। हजरत अब्दुल्ला मुजनी चलदे अपने चाचे कोल आ जांदे ने, आके अर्ज करदे ने, चाचा मैं अपने नबी कोल जाना है, मैं अपने लजपाल कोल जाना है, मैं तेरे कोल इजाजत लेन आया वा। चाचा काफर है, उन्हें क्या क्यों उस नबी दा कलमा पढ़िया, मैं तेनू इजाजत नहीं देनी। हजरत अब्दुल्ला मुजनी कहिंदे ने, चाचा मैं नबी तो जुदा नहीं रह सकदा, मैं अपने नबी तो जुदा नहीं रह सकता, मैं तेरे को इजाजत लेनी है, मैनू इजाजत दे, मैं अपने नबी को चाचा कहते जो उस नबी को जाना ही ना तो मेरी शर्तां पूरियां कर। हुण वेख्या जी, असी ते नबी दे नां ते कुछ भी नहीं देंदे, पर हजरत अब्दुल्ला मुजनी दा इश्क ते मुहब्बत वेख्या। चाचा कहिंदे इवें इजाजत नहीं, चाचा किवें इजाजत देवेगा। आख्या तेरे को जिन्ना माल मौजूद है ना सारा मेरा दिता है, वापस कर। नहीं समझ आई, जिन्ना तेनू मैं माल दिता है तेरे को जो कुछ भी है वो सारा कुछ मेरा दिता है, वापस कर। हुण हजरत अब्दुल्ला मुजनी दे सामने अकल भी आ गई ते इश्क भी आ गया। अकल भी सामने में ते इश्क भी सामने। अकल ने क्या अब्दुल्ला कलमा पढ़ के चुप रह के भी जिंदगी बसर कर लवे, कम अज कम माल ते बाकी रहिंदा। इश्क बोल पिया, इश्क ने क्या अब्दुल्ला अकल दी ना सुनी मेरी सुन, मेरे आखे लग माल ते टुर जाएगा पर मुकाम बड़ा मिलेगा। फिर कसूर दा शहजादा बुल्ले शाह कसूरी रहमतुल्लाह ताला ने अपना कलम चुकया, इश्क दी गल की थी। बुल्ले शाह कसूरी की फरमाने ने, इश्क दुनिया नहीं वेंदा, ना माल वेंदे, ना जायदाद ना दौलत वेंदे, इश्क की कर दे, इश्क कर दा सदा अपनी कम, ना यो रावे खदा ना कुरावे खदा, जिथे चावे झुका दिला आशिक दा सर, ना यो काबा ते ना करबला वे खदा। हर चीज लिया के ना ते चाचे दे कदमा ते रखी, टुरन लगे। चाचा फिर बोलिया, उन्हें आख्या हजे भी नहीं, हजे भी नहीं तू जा सकता। मैं उनकी गल ले, आख्या तेरिया जेबा दे अंदर भी जो कुछ भी मेरा दिता है। अब बोलो यार, जेबा दे अंदर भी जो को जो भी मेरा दिता है कट के रख दिता। फिर टुरन लगे, जो टुरे ते चाचे ने फिर आवाज देख के, अब्दुल्ला जेडे जिस्म ते कपड़े ने ये कपड़े भी मेरे दिते ने। गल समझा जे, जिस्म दा जेड़ा लिबास है ये भी मेरा दिता होया, मैं तेनू ये लिबास दिता है। हजरत अब्दुल्ला मुजनी ने अपने जिस्म दे सारे कपड़े उतार दिते। हुण वेखो, जवान बंदा होवे ते जिस्म नंगा हो जाए परेशानी नहीं, जे समझ आउंदी भी ते बोलो जरा हुजूर दे आशिक दे नां ते बोलो सुभान अल्लाह यार। तुसी बोलदे चंगे लगदे, जे मैं इसतों तुहानूं बुलाना कि कुछ पल्ले रवे। दोस्तां ने मोहतरम तवज्जो करिया, जे हजरत अब्दुल्ला मुजनी दे जिस्म तो लिबास उतार लिया गया, जिस्म नंगा है। हजरत अब्दुल्ला मुजनी चलदे चलदे अपनी मां कोल आके की कहिंदे ने, अम्मा
एक ही वक्त सी जो मैं तेरे पेड़ दे विचों तेरी गोद अंदर आया उदो मैनू कुदरत ने नंगा कर लिया ए अल्लाह दी जात ने उदो मैनू नंगा कर लिया उदो भी मैनू जिस्म ते पाउण लई लिबास तू दिता ए अज मेरे हालात ने मेरा जिस्म नंगा कर दिता है अम्मा मैं तेरे कोलो कपड़े मंगना अज मैं तेरे कोलो फिर लिबास लेन आया मैनू लिबास दे दे हजरत अब्दुल्ला मुदनी दी अम्मा कहिंदी पुत्रा तेरा बाप कोई नहीं उंद तेरा बाप हुंदा मैं उंदे कपड़े तेनू पवा देंदी तेरा कोई वीर नहीं मैं तेरे वीर दे कपड़े तेनू पवा देंदी अब्दुल्ला मैं की करा मां दी अखां दे अंदर आंसू ने अम्मा कमरे दे अंदर चली गई अपना औरतां वाला लिबास लेके आई ये हजरत अब्दुल्ला मुदनी नू औरतां वाले कपड़े दे दिते ने हजरत अब्दुल्ला मुदनी ने अपने जिस्म ते औरतां वाला लिबास पा लिया औरतां वाले कपड़े पाए ने अपनी अम्मा नू सीने नाल ला के मिलदे ने कहिंदे ने अम्मा तू इजाजत दे दे मैं अपने नबी दे वेड़े जाने मां ने इजाजत दे दिती हजरत अब्दुल्ला मुदनी औरतां वाले कपड़े पा के बाजार च चलदे ने लोकां दीआं नजरां पैंदीआं ने लोक उहदा मजाक उड़ांदे ने लोक तरह दियां गल्लां करदे ने लोग कहिंदे ने वेखो इंदी अकल कम नहीं करदी मर्दो के औरतां वाला लिबास पाई फिरदे ए मर्दो के औरतां वाले कपड़े पाई फिरदे औरतां वेंदियां ने मजाक उड़ांदियां ने मर्द वेंदे ने मजाक उड़ांदे ने इत्थों तक के छोटे छोटे बच्चे भी अब्दुल्ला दा मजाक उड़ांदे ने हजरत अब्दुल्ला मुदनी चलदे चलदे मदीना तैयबा दे अंदर आ गई लोकां कोलो पुछदे ने लोगो मेरे नबी दा मैनू पता देवो लोकां कोलो सवाल करदे ने लोग पुछदे ने तू कौन है कित्थों आया है कहिंदा फलाने इलाके दे विचों आया नबी दा कलमा पढ़े अपने नबी दी ज़ियारत करन आया वा लोग पुछदे ने कपड़े औरतां वाले क्यों पाए नहीं हजरत अब्दुल्ला मुजनी कहिंदे ने लोगो तुहानू पता नहीं इश्क दे रंग वखरे ने लोग सवाल करते ने फरमाते ने इश्क दे रंग वखरे ने इश्क दे अंदाज वखरे ने सजनों पता मिलिया मेरे नबी दी वार अंदर आ गया मेरे आका मस्जिद नबवी दे अंदर बैठे ने अर्ज करदा है सोनिया लजपाला मैं तेरी बार अंदर आ गया सोनिया मैं तेरी गुलामी दा पटा पा के आ गया सोनिया एक पासे सारी दुनिया है एक पासे दुनिया दा माल है एक पासे दुनिया दियां रहिशां है कमली वाले यार मैं सारी दुनिया छड़ी ये बस तेरा दामन फड़िया है सोनिया मैं सारी दुनिया छड़ी है ते बस तेरा दामन फड़े हर चीज कुर्बान करके सोनिया मैं तेरे को आ गया तेरे कदमे च आ गया सोनिया मैनू कबूल कर दे जी नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी नारे गौसिया नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी नारे गौसिया हजरत अब्दुल्ला मुदनी अर्ज करदे ने लजपाला मैं सारा कुछ छड़ के तेरे कोल आ गया और याद रखिया जे जिस वक्त हुजूर ने उनके लिबास की तरफ देखा और हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनके नाल ऐसा प्यार फरमाया मदीना तैयबा के अंदर हजरत अब्दुल्ला मुजनी फरमाते ने इंज सहाबा भी मेरे नाल प्यार करते सन लजपाल नबी भी इंज प्यार करते सन ते मैनूं इंज लगदा सी मदीने के अंदर मुस्तफा की जात तो बाद जिहड़ी सब तो ज्यादा इज्जत वाली जात है वह मेरी जात है इन्ना प्यार मैनू मदीना तैयबा दे अंदर मुस्तफा करीम दी बारगाह च मिलिया दोस्तां ने मोहतरम बात इत्थे खत्म नहीं हजरत अब्दुल्ला मुजनी फरमांदे ने एक दिन ऐसा आया मैं मस्जिद नबवी दे अंदर बैठा लजपाल नबी दे सहाबा नमाज पे पढ़दे ने और मैं अपनी आदत दे मुताबिक मस्जिद अंदर बह के उची उची अल्लाह दा जिक्र करन लग पिया बुलंद आवाज ने नमाज भी पढ़ी जा रही और हुजूर दी शरीयत जदों कोई नमाज पढ़ता भी उची कुरान भी ना पढ़ो
خاموش رہو بولو بھی نہ گلا نہ کرو نمازی دا خیال کرو تے حضرت عبداللہ مزنی اچھی اچھی ذکر پہ کر دین تے مسجد اندر داخل ہوئے مراد رسول حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ تو داخل ہوئے تے داخل ہوندے نال کہ عبداللہ تینو نبی دی شریعت دا نہیں پتا نمازی دے سامنے اچھی ذکر نہیں کری دا چپ کر چڑکیا تے جنو کدی چڑکنا نہ ملی ہوئے تے جے مل جاوے تے پھر دل بڑا ہی پریشان ہو جاندے دوستان محترم توجہ کریا جے حضرت عبداللہ مدنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو مرد کولو جھڑک ملی مسجد نبوی دا کونا ہے کونے دے اندر بہ گیا اکھاں دے اندر آنسو آ کے روندے پئے نے تھوڑا وقت گزریا میرا نبی مسجد وچ تشریف لے کے آ گئے نے اوندے اللہ دے نبی فرمایا میرے غلاماں دسو میرا عبداللہ کتھے وے حضرت عبداللہ مزنی دے بارے نبی نے سوال فرمایا اللہ دے نبی دے غلاماں نے عرض کیتی لجپالا کونے دے اندر ہوندا وے اللہ دے نبی فرمایا اینو سدو نا حضرت عبداللہ مزنی چل دے نبی دے کول آ گئی اللہ دے نبی فرمایا عبداللہ تیری اکھاں دے اندر آنسو کیوں نے عرض کر دے کریما کوئی گل نہیں اللہ دے نبی فرمایا کوئی گل ضرور ہے عرض کر دے سونیا کوئی گل نہیں اللہ دے نبی فرمایا عبداللہ میں اپنی نگاہیں رسالت نال وینا ماں کوئی گل ضرور ہے حضرت عبداللہ مدنی عرض کردے نے سونیا لجپالا میں مسجد دے اندر بہ کے ذکر پیا کرنا نماز ہی نماز پہ پڑھ دے نے حضرت عمر نے مینوں جھڑک دتی ہے سونیا میری غلطی ہے عمر نے میرے جھڑک دیتی ہے لجپالا میری غلطی دی وجہ تو اس وجہ تو سونیا میرے کو جھڑک برداشت نہیں ہوئی اللہ دے نبی فرمایا اے میرے غلامو ذرا عمر نو سد کے لے آو حضرت عمر نو بلایا حضرت عمر نبی دی بارگاہ اندر آ گئے اللہ دے نبی فرمایا کیوں جھڑ کے آئی عرض کر دے نے کریما صحابہ نماز پہ پڑھ دے نے عبداللہ اچھی اچھی ذکر پیا کر دے سونیا تیری شریعت دسی ہے سونیا تیری شریعت دسی ہے اللہ دے نبی فرمایا عمر تو جان دا نہیں جدو عبداللہ میری بار گندر آیا سی اے دیکھے ہو جا کپڑے پائے سی عرض کر دے کریما یا عورتاں والے کپڑے پائے سی سونیا محبوبا یا عورتاں والا لباس پا کے آیا میرے اج پال نے فرمایا میرے کملی والے نے فرمایا عمر اج تو بعد کدی بھی میرے عبداللہ نو جھڑکینا کدی بھی میرے عبداللہ نو چھڑک نہیں دینی وجہ کی بنی شاعر نے ایتھے بھی قلم اٹھایا شاعر کہندا کہ تو کدی نبی دا بان تے صحیح ذوق نہ کہو ذرا سبحان اللہ شاعر کی کہندا ہے ایک وار تو ہو جا سونے دا پھر ساری ذکر مدینے والے دا ایتے ویچ بلائی تیری ہے دوستان نے محترم حضرت عبداللہ مزری جندی وجہ تو اللہ دے نبی نے اپنے منگے ہوئے غلام نو جندہ نام عمرے عمر نو آکھیا اج تو بعد عمر کدی بھی میرے عبداللہ نو جھڑکی نا کدی بھی عبداللہ نو معلوم ہویا بندہ نبی دا ہو جائے تے ساری خدائی نبی دی بن جاندی نبی دے غلام دی ساری خدائی نوکر ہو جاندی دوستان محترم حضرت عبداللہ مزنی کون نے جن نے اپنی باقی ساری زندگی لجپال نبی دے قدمے وچ بسر کیتی اور اے صحابی نو ایسا عزت اللہ مقام حاصل ہے توجہ ہے جی بولو ذرا سبحان اللہ محبت نہ بولو جی سبحان اللہ دوستان محترم
इस सहाबी ने भी शरफ हासिल है कि जिस वक्त इनके जिस्म च रूह ने परवाज की उस वक्त इनका सर नबी के कदमा च। नबी दे कदम होन ते रूह परवाज कर रही होवे ते ज़ियारत मुस्तफा दी हो रही होवे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा कहिंदे ने जदों गुसल दे दिता गया, कफन पहना दिता गया, ते हुण अबू बकर ते उमर दा की इरादा सी कि जिन्ना इहदे नाल हुज़ूर प्यार करदे ने सानू इह मौका मिल जावे कबर दे विच इहनू असीं उतारीए। दोस्तों ने मोहतरम तवज्जो करिया जे लजपाल नबी दे गुलाम कहिंदे ने साडा दिल करदा है हजरत अब्दुल्ला मुजनी ने जदों कबर दे अंदर उतारिया जे असीं दोवें उतारीए। हजरत अबू बकर ते उमर कहिंदे ने असीं हजरत अब्दुल्ला मुजनी नूं पकड़ के जदों कबर दे अंदर उतारन लगे असीं नजर मारीए साडे तो पहलों ही अल्लाह दे नबी कबर दे अंदर खड़े ने अल्लाह दे नबी ने फरमाया अबू बकर ए उमर जरा मेरे गुलाम नु मेरे बाजुआ ते दे दे वो। अल्लाह दे नबी ने हजरत अब्दुल्ला मुजनी नु अपने बाजुआ ते ले लिया। अल्लाह दे नबी ने तनहा कल्या उनु कबर दे अंदर लिटाया ए खुदा दी कसम किड्डे मुकद्दरां दा मालिक ए जितो रूह निकली ए अल्लाह दे नबी दे कदमां ते सिरे जितो कबर दे अंदर आया नबी दे सोने हाथ ने अल्लाह अकबर कबीरा। ओए सजनों दुआ करया करो जदों आखरी वक्त होवे ते नबी दा दीदार नसीब हो जाए। आखरी वक्त नबी दा दीदार नसीब हो जाए यार तवज्जो मेरे लिए करया करो। गल नूं अगर तवज्जो नाल सुनिया ना जाए तो हकीकत गल जे गल गुजर जांदी उत्तों। ए सहाबी दे मुकाम दी समझ आई जी नबी दे वास्ते सब कुछ छड्या ते जदों रूह निकली ते सिर नबी दे कदमां ते ते जदों कबर दे अंदर रख्या गया ते नबी दे हत्थां च आया। अल्लाह करे मैं दुआ करना अल्लाह सोना कसम खुदा दी सानू सारयां नूं मौका देवे साडियां जिहड़ी रूह है ना साडी इह जदों परवाज करे ते असीं नबी दे रोजे दे सामने बैठे होईए हुज़ूर दे दर ते बैठे होईए। इह वी हुज़ूर दा गुलाम है और क्योंकि मैं जेड़ा मेरा मौजू है वाम मसा इला फला तनहर सोने जिदों भी कोई गुलाम आ जाए कोई साहिल आ जाए कोई फकीर आ जाए तो फिर चिड़की ना असि फकीरां नूं चिड़क देने ना जी। एक री फकीर आ जावे ते दूजा फिर फकीर आ जाए तो उन्हें चिड़क दे दियो पज है अगे महंगाई बड़ी है ते हुण ते अगे नाल वधी पई है। हकीकत गल जे गरीब परेशान है कि नहीं जी बोलो जेडे मामलात बने पे गरीब परेशान होया नहीं पिया जेड़ी कनक सानू 1200 रुपए च मन मिलदी सी पिछले दिनां च 2200 रुपए दी मन विकदी रही है। जदों हाकिम खराब आ जांदे ने फिर हालात भी बिगड़ जांदे ने। हालात तां बिगड़दे ने जदों हाकिम खराब होवे ते जदों हाकिम ठीक होवे ते फिर हालात भी ठीक रहिंदे ने। नाराज ना हो जे मैं तुहानूं गल नबी दे तरीके दी दसण दिया हुज़ूर अली सलातु व सलाम दे तरीके ते जिहड़े गुलाम चलदे सन ते रियाया कमज़ोर नहीं सी पैंदी रियाया भी मजबूत हुंदी सी। समझ आई जिहड़ी मैं गल तुहानूं सुणाउण लगा एक बंदा आया मक्का पाक दे अंदर ऊंट वेचदा सी बाजार दे अंदर ऊंट वेचण दिया तवज्जो करो यार ऊंट वेच रहा है अबू जहल बाजार चो गुजरिया तुहाडा ध्यान मेरे लिए बड़ा सोहना है ते मैं भी हुण ध्यान तुहाडे च रखना है ताकि मेरा ध्यान दूजियां ले कट जाए ते तुहाडे ले तवज्जो रहेगी ते मैनूं दूजियां दी फिक्र ही कोई रहनी। अबू जहल ने ऊंट खरीद लिया पैसे तय हो गए। अबू जहल ने कहा भी ऊंट मैं तेरे को ले लिया ते पैसे मैं तेनू हजे नहीं देने फिर देंगा। उन्हें आखिया जी मैनू दस दे तू हैगा कौन है। उन्हें आखिया मैं मक्के का सरदार हाँ मक्के का चौधरी। उन्हें आखिया जी चौधरी सही है ना इंज का तो नहीं जो चौधरी किसी को ले फिर देंदा ही नहीं। उन्हें आखिया
मैं अपने इलाके का सरदार हाँ चौधरी इंज की गल नहीं दे देंगे तेन पैसे ऊंट लेके चला गया दिन एक गुजरिया ना तो बंदे ने घर का पता पूछा जाके बुआ खड़का के क्या बुझा अमर बिना शाम पैसे उन्हें आख्या कल दयागा कल आ गयो फिर गया उन्हें आख्या पैसे उन्हें आख्या कल दयागा आखिर एक दिन आकड़ गया तो वेर कहिंदा नहीं मैं देंदा ले जांदे नहीं ते ले लै उन्हें फिर गल याद आ गई उन्हें आख्या मैं तो पहले ही कहा उंज दा चौधरी दे नहीं हो जेड़े उंज दे ने अल्लाह उन्हां नूं हदायत अता फरमाई हुणे परेशान हो गया उंदी जिंदगी दी कमाई सी रोन लग पिया ते काबा शरीफ दे कोल काफर बैठे सन आपस अंदर उन्हां मशवरा कीता ते एक आंदा यार अज शुगल ना वेखीए उन्हें आख्या किवें उन्हें आख्या अबू जहल इहनूं पैसे नहीं देंदा आपां इहनूं मुहम्मद दे घर घल दिंदे आं नबी अबू जहल घर आएगा पैसे मंगन वास्ते अबू जहल नबी का मजाक उड़ावेगा आप फिर तमाशा वेखांगे तवज्जो करिया जे काफरा ने की क्या कि नबी दे घर कलिए ते तमाशा वेखिए हुण ए तमाशे दा इरादा पे रख देन पर जिंदी इज्जत दियां हिफाजतां खुद खुदा करे उन्हों को तमाशा बना सकदा सी दोस्तां ने मोहतरम तवज्जो करिया जे उन्हां काफरा ने आके पूछिया ओ सजना तू परेशान है उन्हें आखा जना मेरी जिंदगी दी कमाई लुटी गई मक्के दा सरदार मेरे पैसे नहीं देंदा उन्हें क्या तू सारा मक्का फिर ले कोई ले के नहीं दे सकदा बस इको जात है जो तेरे पैसे लेके दे देवेगी उन्हें आख्या केड़ी जात है जिस जगह ते अज लैटरीना मौजूद ने इत्थे अबू जहल दा घर सी इत्थे तकरीबन एक किले दे फासले दे नबी दा घर है उन्होंने इशारा करके क्या होया सामने जड़ा घर है उस घर के अंदर एक बंदा मौजूद है जिंदा नाम मोहम्मद तवज्जो करिया जे सजनों ना क्या उस घर के अंदर मोहम्मद आबाद है तेरे पैसे कोई भी लेके नहीं दे सकदा उथे चला जा उन्हें कोल जाएगा उन्हें कदी किसे नु नहीं मोड़िया वो तेरे पैसे लेके देवेगा ओ चलदा चलदा मेरे आका करीम दे दरवाजे ते आया बुवे ते दस्तक दित्ती अल्लाह दे नबी चलदे बुवे ते आ गए फरमाया कौन है अर्ज करदा सोने मुखड़े वालिया तेरे दर दा साएला तेरे कोल सवाली बन के आया मां तेरे कोल आया मां अल्लाह दे नबी ने फरमाया तेरा सवाल की है उन्हें आख्या मेरा सवाल है मक्के दा सरदार है जिंदा नाम अमर बिन हशाम है उन्हें मेरे कोल ऊंट खरीदया पर पैसे नहीं देंदा अल्लाह दे नबी करीम सल्लल्लाहु मेनू पता चल गया मेनू खबर हो गई इनू मेरे तरफ भेजने वाले काफर ने अल्लाह दे नबी मुस्कुराए ने मुस्कुरा के फरमाया परेशान ना हो आ मैं तेरे नाल चलना लजपाल नबी अगे अगे चल पे ते हुजूर दे नाल नाल तुर पिया ते गल्लां करदा पिया हुजूर दे नाल हुजूर सोने ओ लजपालो ओ दे ते देवेगा ना दे ते देवेगा ना सोने मुखड़े आलिया तवज्जो करो जी सोने अजे उन्हें यह पता नहीं कि जिन्हों मैं नाल लेके लगा जाने नबी है हुजूर दे नाल गल्लां करदा करदा कहिंदा कि सोणिया दे देवेगा ना तुहाडे आखे हुजूर ने फरमाया मैं लगा जो जाना तेरा परेशान क्यों ने परेशान ना हो अबू जहल दे कार हुजूर दी सलात व सलाम ते शरीफ लेके आए ते लजपाल नबी ने अबू जहल दे दरवाजे ते खुद दस्तक दी हुण काफर लुके ने दीवार दे पीछे तवज्जो रख्या जे काफर लुके ने ते तुसी मेरे इशारे नु समझना इत्थे कुछ गल्लां ऐसी होणियां जिहड़ियां मैं तुहानू सिर दे इशारे नाल दसणियां ते जिथे मैं इशारा करां उत्थे समझ के उच्ची सुभान अल्लाह तुसी कह दिया जी दोस्तां ने मोहतरम तवज्जो करो मेरे नबी ने दरवाजे ते दस्तक दी है
अबू जहल जलदा दरवाजे ते आया जिन्हें उन्हें नजर पई सामने मोहम्मद मेरे घर के दरवाजे ते कौन खड़ा है मोहम्मद मुस्तफा अल्लाह दे नबी ने अबू जहल दी तरफ वेख्या काफर दीवार दे पीछे खड़े ने लजपाल नबी ने अबू जहल दी तरफ वेखिया मेरे नबी दा इन्ना रोब अबू जहल दी बोलती बंद हो गई मेरे पाक नबी फरमाया अबू जहल ए जड़ा बंदा ए जड़ा मेरे नाल आए इंदे कोलो ऊंट खरीदिया मेरे नबी दा इन्ना रोब उंदे कोलो बोलिया नहीं गया सिर दे इशारे नाल कहिंदा खरीदिया सिर दे इशारे नाल बोले ही नहीं गया सिर हिला के कहिंदा खरीदिया हुजूर ने फरमाया ये पैसे देने नहीं फिर सिर हिला के कहिंदा देने देंदा नहीं सोने खड़ा हो मैं उन्हें लेके आया काफर दीवार पीछे खड़े ने तमाशा देखना है तमाशा देखना है तमाशा देखना है और कबलिया जिंदी जदी हिफाजत अल्लाह करे वो तमाशा नहीं बन दे तो ना दे तमाशे करने वाले दे तमाशे बन दे ने ले के आ पैसे पैसे ले आके नबी दी तली ते रखे ने मेरे नबी ने पैसे उन्हों दिते और अबू जहल जरा तमाशा करने वाले काफर ने वो खड़े दीवार के पीछे मेरा नबी उन्हों लेके चली आए वो काफर उठो अबू जहल को ला गए अबू जहल आ ओ की कीता ई ओ असी ते तमाशा करना चाहते सा ओ तू पैसे क्यों दिते ने अबू जहल कहंदा ए जेड़ा मंजर मैं पिया वेंदा सी अगर तुसी वेंदे ते पैसे तुसा दे देने सी जेड़ा मंजर मैं पे वेंदा सी अगर वो मंजर तुसी वेंदे ते पैसे तू सामी दे देने सी अबू जहल अयो केड़ा मंजर सी वो केड़ा मंजर सी अबू जहल कहिंदा जिस वक्त मोहम्मद ने मेनू कहंदे पैसे देने नहीं मेरा दिल ते कीता मैं इनकार कर देवा दिल ते कीता इनकार कर देवा पर मोहम्मद दे पीछे एक ऐसा जानवर खड़ा सी जिन्हें मुंह खोलिया सी ते मैनु इशारा पिया करदा सी अबू जहल जरा ना कर ते सही फिर वेख मैं तेरे नाल की करना अबू जहल की कहिंदा है अगर मेरी जुबान ते ना आ जांदी मैं अज बच नहीं कोनी सी ओनो बंदा जिन्नू पैसे मिले ना वेखो अल्लाह जपाला दी सखावत चेक करया जे हुजूर अली सलात व सलाम उन्हों थोड़ा दूर तक लेके गए ते हुन करम नवाजी भी ते साइयां कीती है ना थोड़ी दूर जाके हुजूर खुद उन्हों फरमांदे ने बेलिया हुन तेरा काम हो गया जे इजाजत होवे मैं अपने घर चला जावां कैसा जरफ है मेरे नबी दा कैसी शान है मेरे नबी दी ते टुरन लगा आंदा जी ठीक है चले जाओ ते टुरन लगा ना ते फिर पिछों दी आवाज देके आंदा सोने मुखड़े हले जरा रुक दे नहीं एकरी रुकिया जे जरा हुजूर खड़े हो गए आंदे सोने बड़ी बड़ी सोनी दुनिया वेखी है बड़े बड़े हसीनो जमील लोग वेखे ने पर तेरे जे सोना नहीं वेखेगा मेनू दसो ते सही तुसी कौन हो तुसी लजपाल नबी ने फरमाया आना खातमुन नबीयीन आना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपनी गुलामी च मेनू भी शामिल करो हुजूर ने कलमा पढ़ाया ना माल भी मिल गया जी दौलत मिल गई ना पैसे मिल गए जिस वक्त चलन लगा होना ते जे तुसी यकीन रखते हो ना कि साडे घरां दे अंदर अगर अल्लाह सानू औलाद देंदा है ते सदका मुस्तफा दा अल्लाह माल देंदा है ते सदका मुस्तफा दा अगर साडियां जमीनां दे विच सोहनी फसल उगदी ते वी सदका साडे घर आबाद हुजूर दी वजह तों तवज्जो करिया जी जिस वक्त तो टुरिया होना है वो कहिंदा की होवेगा डब्बे दा कवर सेट कर लो ओए होई सदा लांदा होना है ओंदा की अकीदा होवेगा की नजरिया ते की सोच होवेगी जांदा जांदा की कहिंदा होवेगा सदा वसदा रवे तेरा गवारा या रसूल अल्लाह गरीबा गुजारा
नबी दे गुलामों सुनो, हुजूर दा प्यार ते हुजूर दी मोहब्बत जिहड़ी मैं तुहानूं गल सुनानी है ना, जिहड़ा हुण मैं तुहाडे सामने एक जिक्र करना है, ये ऐसी गल है कि जिहड़ा हुजूर दे इस गुलाम दा जिक्र सुनदा है या करदा है खुदा दी कसम दी अखां अश्कबार हो जांदियां। कैसा करीम नबी है, कैसा रऊफुर रहीम नबी है। मदीना तय्यबा दी गली और मदीना तय्यबा दी गली दे अंदर एक बंदा सदा लांदा है, बीमार स्याह रंग दा जिस्म दे विचों बोवा आंदियां ने, ते सदा लांदा है मदीने दी गली दे अंदर, मैनू बहुते यार नहीं, मैनू एक यार चाहिए, मैनू बहुते यार नहीं, मैनू एक यार चाहिए जेड़ा मेरे दिल दियां गल्लां सुने, जेड़ा मैनू अपने कोल बिठावे, जेड़ा मेरे नाल भी प्यार करे। उनकी हालत तवज्जो करिया, जे हालत ऐसी कि जिस रस्ते तो गुजरदा है ना उनके जिस्म की बदबू तो लोग रस्ता बदल लेंगे, उन्हें बुलांदा कोई भी, उनके नाल कोई प्यार करदा, खाना खिलाने दे दूर की गल, उन्हें वेख के लोग खाना रख देंगे, खाना खाना उनके नाल बह के बड़ी दूर की गल, खाना उन्हें वेख के खाना छोड़ देंगे। एक दूर शख्स खड़ा होके उन्हें कहता है तू दुनिया फिर ले, तेरे नाल किसे प्यार नहीं करना, पर पता तेनू मैं दे देना, चला तू जावी प्यार तेनू मिल जाएगा। जेडे चाहते जे नबी का प्यार मिले जोक ना कहो सुभान अल्लाह। उन्हें कहा मैनू पता दे दे, मैनू यार भी एक ही चाहिए। उन्हें कहा फिर उस पहाड़ की दूजी साइड से चला जा, उस जगह ते नबी आखिरुज़्ज़मां अपने सहाबा दे नाल मौजूद है, अपने गुलामा दे नाल मौजूद है, वह नबी किसी का दिल नहीं तोड़दा। साडे नबी की बारगाह के अंदर गोरे चिट्टे की तमीज नहीं, तकवा वेख्या जाता है, जिंदा दिल सुथरा हो नबी कबूल कर लेंगे। ना मुखड़ा ना मुखड़े दा तिल वेख दे आका, जे वेखन ता दिल वेख दे। इत्थे ठीक है, जबरदस्त चलेगा, इत्थे चलन दे। आओ दोस्तों ने मोहतरम, जल्दा जल्दा पहाड़ी दी दूजी तरफ मेरे नबी दी बारगाह अंदर आया, तवज्जो करिया जे, दूर खड़ायो के कीवींदा मेरे आका खैमे दे करीब खड़े ने, मेरे नबी नू दूरों आवाज देंदा है, किसरा मुखातब करके बुलांदा है, की कहिंदा है, या मुहम्मद या मुहम्मद, सुनिया मैं तेरी बारगाह दे अंदर आया वा, कुछ दिल दियां करनियां दिल दे राज तेरे सामने खोलने ने, मेरा नबी बोलिया, मेरे नबी फरमाया मेरे कोल आ जा, अर्जा कर दे सोनिया मैं दुनिया सारी छड़ के तेरे कोल आ गया, अगर मैं तेरा कलमा पढ़ांगा, अगर मैं तेरी जात ते ईमान लेके आ जावांगा, सोनिया मेरे नाल प्यार करोगे। अल्लाह दे नबियों दी तरफ वेख्या, मुस्कुरा के फरमाया तू कलमा पढ़ ले, तू इस्लाम दे अंदर आ जा, आंदे सोणिया पहले मेरियां अर्ज़ां सुन लवो। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने बोल तेरियां अर्ज़ां की ने, कहिंदा सोणिया मैं जड़े रस्ते तो गुजर जाना वा, लोग रस्ता बदल लेंदे ने, सोणिया मैं किसे कोलो खाना मंग लवा, लोग खाना नहीं देंदे, सोणिया मैं किसे नाल गल करना वा, मेरे नाल गल्ला कोई नहीं करदा, सुनिया मेरे नाल प्यार कोई नहीं करदा, मैनू किसे दसिया है, अल्लाह दे नबी दी बारगाह अंदर चला जा, तेनूं उत्थे प्यार मिल जाएगा, तेनूं उत्थे इज्जत मिल जाणगियां, सुनिया मैं तेरे कोल आया सुनिया मैं तेरी जात ईमान लेके आ जाना, सुनिया मैनू प्यार करोगे, जिथे उम्र नू बिठांदे जे मैनू उथे बिठावोगे, जिथे उम्र नू बिठांदे जे मैनू उथे बिठावोगे, जिथे
ਜਿੱਥੇ ਉਸਮਾਨ ਬੈਂਦੇ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਵੋਗੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜ ਲੈ ਜਿੱਥੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਬੈਂਦਾ ਏ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲ ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲ ਨਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਲੱਬੇਕ ਲੱਬੇਕ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹੋ ਲੱਬੇਕ 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 ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਸਜਣੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੋਹਣਿਆ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਅਰਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਕਰੀਮਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਵੇਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਪੜ ਕਲਮਾ ਖੜਾ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੂਰ ਖੜਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਹੈ ਤੇ ਬੋ ਵਾਲਾ ਪਰ ਨਬੀ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਬੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇੰਨੀ ਨਬੀ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਗੁਲਾਮ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਪੜਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ੂ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਚ ਬੋ ਬੜੀ ਆਂਦੀ ਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕੋਲ ਆ ਜ਼ਰਾ ਸਿਹਾਬਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਵੱਜੋ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਤਰਫ ਕਰ ਲਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੋਹਤਰਮ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ ਉਹ ਪਿਛਾ ਨੂੰ ਟੁਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਹਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖਿਆ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿਛਾ ਪਿਛਾ ਪਿਆ ਚੱਲਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਪਿਛਾ ਪਿਛਾ ਪਿਆ ਟੁਰਦੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਜੇ ਸਿਹਾਬਾ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੰਜ਼ਰ ਪੈ ਵੇਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਬੀ ਨੂੰ ਦੌੜਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਦਮੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੌੜੇ ਨੇ ਭੱਜਦੇ ਭੱਜਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਆਉਂਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਗਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਸਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਲਾਮਾ ਤੂੰ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਪੜਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇਵੇਗਾ ਇਸਲਾਮ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਦੇਵੇਗਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਵੇਖ ਲੈ ਤੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਸੀਨਾ ਲੱਗਾ ਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਤੇਰੀ ਪਿਛਾਨੀ ਤੇ ਬੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ ਅਜੀਬ ਮੰਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੈਸਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕੈਸਾ ਸਮਾਂ ਕੈਸਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਉਹ ਸੀਨਾ ਜਿਸ ਸੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਸੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਉਸ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੋਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਸਾ ਦੇ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਸਲਾਮ ਇੰਜ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੇ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਦਾਨ ਮੇਰੇ ਗੁਲਾਮ ਕਾਫਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਵੀ ਲੜ ਮੇਰੇ ਗੁਲਾਮ ਕਾਫਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਵੀ ਲੜ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ
लजपाल नबी उस गुलाम दे कोल खड़े हो गए। तवज्जो करिया जी यार, ईमानदारी नाल दस्या जी, ईमान कबूल करदियां नाल इस्लाम कबूल करदियां नाल केड़ा काम करन गया है? जंग। नमाज पढ़िए, बोलो कोई नमाज पढ़िए, हज, कोई उमरा, कोई सदका खैरात नहीं ना कीता? की अमल पल्ले सी कि नबी ने आख्या जंग लड़, ते नबी दे आखे लग गया, हुजूर दे आखे लग गया। उन्हें आख्या साइया हुक्म कर ते हुण मोड़ना नहीं, ते हुजूर दे आखे लगा। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्दी मैयत दे करीब आए, फरमाया सहाबा ए मेरा गुलाम है जिंदे कोल नमाजा कोई नहीं, जिंदे कोल हज कोई नहीं, जिंदे कोल ज़कातां ते सदके कोई नहीं, इंदे कोल कोई ज़ाहरी अमल नहीं। सहाबा एक अमल इन्हें ऐसा कर लिया जिंदी वजह तो अल्लाह ने सारी जन्नत दे बूहे इंदे वास्ते खोल दिते। जन्नत दे सारे बूहे अल्लाह खोल दिते। असी ईद वाले दिन 200 या 500 रुपया इमाम मस्जिद नूं देने ना जी, ते फिर सारयां नूं दसी दे 500 दिता भाई, दूजे 200-200 देंदे, बस मैं 500 दिता जी। आप सब इमाम मस्जिद दी थोड़ी जी खिदमत करके नाले एहसान जिताने आ। आ मैं तैनूं नबी दी एक गुलाम, नबी दे को गुलाम दी गल सुनाना कि जिन्हें नबी दे वास्ते किन्ना कुछ कीता, इस्लाम वास्ते की कीता। मेरे मुस्तफा बैठे ने मस्जिद नबवी दे अंदर मदीना तैयबा, तवज्जो है जी, बोलो सुभान अल्लाह। मस्जिद नबवी यतीम बचाया, आके अर्ज करदा है करीमा लजपाला, एक अर्ज करनी है। हुजूर ने फरमाया बोल बेटा, अर्ज कर दे सोने, मेरा एक बाग है छोटा जहा, मैं अपने बाग दे चार चफेरे ना दीवार बनाना पिया, मेरे बाग दे नाल एक बंदे दा बाग है, उनका एक दरख्त मेरे उस बाग वाली जगह ते आ गया जिथों मैं दीवार सीधी करके गुजारनी है। मैं उन्होंने कहा या इन्हें पैसे ले लै दरख्त दे, जे इंज नहीं तो मैं उस तरह दे दे सोने, ना पैसों नाल देंदा है ना उस तरह दरख्त देंदा है, तो मेरी दीवार सीधी नहीं होंदी। मैनू कहिंदा डिंगी कर लै, तो सोने उन्हों बुलाओ तो उन्हों कहो कि मैनू दीवार सीधी करन दे। जे हुंदा आशिक तो फिर हुजूर दे आखे लगदा कि नहीं? हजरत साहब बोलो, जरा आखे लगदा कि नहीं? लगदा ना जी। हुजूर ने उन्हों बुलाया, बुला के फरमाया भी इस बच्चे ने दीवार सीधी करनी, या दरख्त की कीमत ले लै, या दरख्त बच्चे नूं दे दे, ते जे इंज नहीं करना तो फिर मुहम्मद नाल एक सौदा कर लै। कहंदा जी दसो, हुजूर ने फरमाया एक दरख्त तू दे दे, एक असी तेनू देने, तेरा दरख्त दुनिया का, साडा दरख्त जन्नत का। कैसा सौदा सी जी, दुनिया के दरख्त बदले जन्नत का दरख्त। तो हुजूर ने फरमाया वो दरख्त ऐसा होगा कि 100 साल तू सवारी दे उत्ते, सवारी ते बह के दौड़ाई घोड़ा, 100 साल घोड़ा पजाई, उस दरख्त का साया नहीं मुकेगा। उन्हें कहा जी मैनू सौदा कबूल नहीं, नाउज बिल्ला, नबी दे आखे नहीं लगा, चला गया। हुण मैं जिहड़ी तुहानूं गल सुणाउणा, तवज्जो करिया जी, हुजूर अली सलातो सलाम दे गुलाम बैठे अबू दहदाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उठ के खड़े हो गए, तर्स करदे ने सोणिया जी ये दरख्त मैं खरीद के इस बच्चे नूं दे देवां ते जन्नत वाला दरख्त मैनू मिलेगा? आए हाय हाय, तवज्जो करिया जी, जन्नत वाला दरख्त मैनू मिलेगा? हुजूर ने फरमाया हाँ अबू दहदाह, जे तू खरीद के दे देवे ते अल्लाह वो जन्नत वाला दरख्त तेनू दे देगा। दोस्तों ने मोहतरम तवज्जो करिया जी, हजरत अबू दहदाह चलते चलते उस बंदे दे कोल आके सवाल कीता, फरमाया दस मैनू जानना है। उन्हें आख्या अबू दहदाह मदीने दे अंदर तेनू कौन नहीं जानदा, बड़ी चंगी तरह जानना, तेरा बड़ा ही सोना मदीने दे अंदर बाग है, उस बाग दे अंदर 600 खजूरां दा बूटा है, बड़ा सोना अंदर महाले। हजरत अबू दहदाह फरमाते ने मेरा बाग वेखे, कहिंदा वेख्या बड़ा सोहना है, बड़ा माल लगता है, बड़ा फल लगता है। हजरत अबू दहदाह फरमाते ने सारा बाग तेरा हो सकता है। तवज्जो करिया जे, नबी नूं राजी करन दा इरादा है। उन्हें आख्या अबू दहदाह सारा बाग मेरा किवें? आख्या एक बूटा तू दे दे, 600 बूटा मैं देना,
एक दे बदले 600 वोटा, एक दे बदले 600 दरख बमा जमीन। फरमाया महल भी तेरा, आख्या बुदहदा इंज दे मजाक ना कर। फरमाया मजाक नहीं, मैं हकीकत अंदर प्या कई नामा देवांगा। उन्हें क्या वाकई अबू दहदा, जब मैं एक दरख्त देवा तो 600 दरख्त मैनू देवेगा? फरमाया देवांगा। मुकरी ना अबू दहदा फरमांदे ने मुहम्मद दा कलमा पढ़िया है, हुजूर दी नौकरी च रहिंदे मुकरण वाली गल ही कोई नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, लब्बैक 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 नारे हैदरी। हजरत मोहतरम तवज्जो करे, हजरत अबू दहदा फरमांदे ने असी मुकरण वाले नहीं, तू वादे दे पकारो दरख्त देना। उन्हें क्या मैं दिता? हजरत अबू दहदा फरमांदे ने आजा सौदा हो गया। हजरत अबू दहदा उन्होंने लेके चले गए। तवज्जो रखा जे मुसलमानों, जो लेके चले गए बाग के अंदर दाखिल नहीं होए, बाग के बाहर खड़े होके अपनी बीवी नु आवाज दिती। अपनी बीवी नु फरमाया उम्मे दहदा पारा जा। आपकी बीवी कहती की गल है? आख्या मैं बाग का सौदा कर दिता है, बाग बेच दिता है। उम्मे दहदा कहदिया ने ठीक है। अपने बच्चों नु नाल लेके बाहर आन लगिया ने। एक बच्चे ने आख्या अम्मा बाग से विक गया है, अगर इजाजत दे थोड़िया खजूरा तोड़ लईए। आपकी बीवी कहती है अपने बच्चों नु कहती है पुत्रा मुहम्मद गुलामा जो सौदे कर दे फिर खयानता नहीं करी दिया। असी कोई खजूर नहीं तोड़नी। एक बच्चे ने दरख्त दे थलो खजूर पकड़ के मुंह दे अंदर रखी, जो खजूर मुंह दे अंदर पा ली मां ने पुत्र दे मुंह दे विचों भी खजूर कढ़ के बूटे दे थले रखी ये। आख्या पुत्र हुण बाग दे उत्ते साडा हक कोई नहीं। हुण तवज्जो करिया जे, बाग छड्या बार आ गईयां ने आउंदिया नाल बीवी जुए आके सवाल कीता। सवाल कर क्या क्या बुदहदा किन्ने अंदर सौदा कीता ई, किन्ने तिरमो दिनार दे अंदर सौदा कीता ई, किन्ना माल लेके सौदा कीता ई। हजरत अबू दहदा मुस्कुराए ने। हुण तवज्जो करिया जे, एक दरख्त दे बदले 600 बूटा भी दे दिता। 600 बूटे दे वास्ते जमीन किन्नी होवेगी? जमीन भी दे दित्ती है, जड़ा घर बनाया घर भी दे दिता। नबी दा गुलाम ते नबी दे वास्ते सारा कुछ दित्ती आउंदे। असी नबी दी इज्जत दे वास्ते एक पर्ची नहीं देंदे, नबी दी इज्जत दे वास्ते कुछ भी नहीं करदे, नबी दी इज्जत दा ख्याल कोई नहीं करदे। ओ सजना याद रखिया जे, हुजूर दी गुलामा अपने खामत दे कोलो पुछदी है किन्ने च सौदा कीता ई। हजरत अबू दहदा मुस्कुराए ने, मुस्कुरा के फरमाया उम्मे दहदा मैं जन्नत दे एक दरख्त दे बदले सब कुछ दे दिता। जन्नत दे एक दरख्त दे बदले मैं सब कुछ दे दिता है। ऐस दौर दी बीवी हुंदी ना तो उन्हें बीवी दा बंदे दा अपने खामों दा गिरे बौन फड़ लेना। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਹੈ? 600 ਬੂਟਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਘਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਗਿੱਠ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨੇ ਅਬੂ ਦਹਦਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਬੀਵੀ ਨੂੰ? ਜੰਨਤ ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਵੀ ਨਬੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮਾ ਮੁਸਕੁਰਾ ਪਈ, ਮੁਸਕੁਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅਬੂ ਦਹਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ। ਤੇਰੇ ਸੌਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਆਏ। ਹੁਣ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲੜਦੀ। ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਬਦਲੇ। ਪਿਛਲਾ ਮਹੀਨਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਮੌਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵਿਆ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰੀਮ ਦੀ ਮਿਰਾਜ ਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਰਾਜ, ਇੱਕ ਮਿਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵਿਆ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਆਖਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹ ਸੁਣਾਣੀ। ਤੇ ਜਲਦੀ 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 ਮਿਰਾਜ ਦੀ ਰਾਤ
तवज्जो करो मेराज दी रात हुजूर अली सलातो व सलाम ने पहले बुराक ते सवारी की थी। तवज्जो करो यार, पहले हुजूर ने बुराक ते सवारी की थी। ये टाइम थोड़ा है तो मैं आंदे ये इको गल आखरी सुना दें, इको ही सुना दें जी। मिराज दी रात हुजूर अली सलातो सलाम ने ए मिराज अली गल सुनो ना, उस तो मैं जेडी भाई गल की तो मैं सुनाना। मिराज दी रात हुजूर अली सलातो सलाम को जी तो जिब्रील आए ने, पता जे जिब्रील किवें आया? छड़ो मैं मुख्तसर करना इस गल नु। हुजूर बुराक ते सवार होए ते मस्जिद अक्सा, ठीक है। फिर उस तो बाद हुजूर अली सलातो सलाम ने सवारी फरमाई नूर दी सीढ़ी। तवज्जो करिया जे, पहलो बुराक फिर नूर दी सीढ़ी फिर फरिश्तियां दे पर फिर जिब्रील दे पर पंजवें नंबर ते रफ रफ। किनिया जगह ने, किनिया जगह ने, तवज्जो है, किन्ना सफर तय कीता, इन्ना वसी सफर, इतना तवील सफर। नबी ने ना पंजा चीजां दे नाल वो सफर नु तय फरमाया। ए जिदो सफर हो रहा है उस वक्त नबी अपनी ताकत इस्तेमाल नहीं कर रहे। तवज्जो करिया जे, नबी अपनी ताकत इस्तेमाल, तवज्जो करिया जे दोस्तों ने मोहतरम। एक महीना सफर करते रहिए मक्का तो लैके बैतुल मुकद्दस तक, एक महीने की मुसाफत, फिर उस तो लैके चौथे आसमान तई अल्लाह दे नबी ने नूर दी सीढ़ी ते सफर तय फरमाया। फिर उतो लैके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्तियां दे परां ते सफर कीता, फिर जबरील दे नाल सिदरातुल मुंतहा, जिते सिदरातुल मुंतहा ते जाके जबरीले अमीन दी बस होई ए, उतो अल्लाह ने रफ रफ कर लिया ए, रफ रफ ते सवारी कीती, जिते जाके रफ रफ रहिंदा ए या रसूल अल्लाह इत्थे मेरी भी बस ए, या रसूल अल्लाह इत्थे मेरी भी बस, मैं अगे नहीं जा सकदा। हुण इत्थों अगे नबी दी ताकत शुरू होण लगी है। तवज्जो है, बोलो सुभान अल्लाह। पंजा चीजां ते नबी ने सफर कीता, हुण नबी दी ताकत शुरू होण लगी। जिन्ना सफर अल्लाह दे नबी ने इन्हां चीजां दे तय फरमाया है, इन्ना सफर अल्लाह दे नबी ने जदों अपनी नबूवत रिसालत दी ताकत इस्तेमाल फरमाई है, अल्लाह दे नबी ने एक कदम उठाया, जिन्ना सफर इन्हां चीजां ते तय कीता, नबी अपनी ताकत नाल एक कदम चुकिया, उन्ना सफर तय होया है। अल्लाह अकबर, उन्ना सफर अल्लाह दे नबी ने एक कदम चुकिया ते तय फरमा दिया। दोस्तों ने मोहतरम आखिरी बात मैंने दोस्तों ने जी फरमाइश के तौर पर की थी, हजरत अवैसे करनी। बोलो इस आशिक ने ना तो मोहब्बत ना बोलो सुभान अल्लाह। दुआ करो अल्लाह सोना सानू अवैस वर्गा इश्क अता फरमाए। हजरत अवैसे करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर दे दौरे जी कलमा पढ़िया है लेकिन सिहाबी ना बन सके। मां को इजाजत लेंदी ने मां जी इजाजत दे आ जे नबी दी बार के हुजूर दी ज़ियारत वास्ते जाने। मां कहंदी पुत्र मैं नबीनी हां मेरा ख्याल कर, मैं नबीनी हां मेरा ख्याल कर। दोस्तां ने मोहतरम हजरत अवैसे करनी एक दिन मोहब्बत इश्क ने सताया, हुजूर दे प्यार ने सताया, इन्ना को प्यार ने सताया कि हजरत अवैसे करनी ने अपनी मां दे कदम फड़ ले। मां दे कदम फड़ के हजरत अवैस रो के कहंदे ने मां हुण मैं हुजूर तो विछड़ के जिंदा नहीं हो रह सकता, मैनू अज इजाजत दे। जिहड़े अपनी मावां नाल प्यार करदे जे मुहब्बत नाल बोलो सुभान अल्लाह, ते जिहड़े अपने प्योवां नाल भी करदे जे दोवें हत्थ चुक के कह दिओ सुभान अल्लाह। मां नाल भी प्यार करो ते प्यो नाल भी करो। जन्नत दी उतली दहली चुमनी होवे ते प्यो दा मत्था चुमो, जन्नत दी उतली दहली चुमनी ते प्यो दा मत्था चुमो, ते जन्नत दी थल्ले वाली दहली चुमनी ते मां दे कदम चुमो। दोस्तों ने मोहतरम हजरत अवैसे करनी अपनी मां दे कदमां च बह के अर्ज कर देनी अम्मा मैनू इजाजत दे दे मैं अपने नबी कोल जाना है, अज तू मैनू जान ना दिता मैं नबी दे विछोड़े दी वजह तो मर जावांगा। मां कोल इजाजत मिल गई,
मां ने शर्त रख दी, शर्ते रखी है बेटा अगर मस्जिद अंदर मिलन चला जावे आका मस्जिद ही मिल जान ते मिल के वापस आ जावे, अगर मस्जिद च मिलन जावे आका मस्जिद च ना आयो मल हुजूर नु मिलन दे वास्ते हुजूर दे घर ना जावे, ते जे घर मिलन चला जावे हुजूर घर दे अंदर मिल पैन हुजूर नु घर अंदर मिल लवी, अगर घर ना मिलन मस्जिद ना जावे पुत्रा मैं नबी नी मेरा ख्याल करी। सजनों ख्याल करो जेडे आशक ने जेडे नबी नाल प्यार करदे ने अपनी मामा नाल बड़ा प्यार करदे ने तवज्जो करिया जे हजरत अब्बास नु जदों इजाजत मिली चलदा चलदा मदीने दी सरहद ते आ गया, मदीने दी सरहद ते आ गया मदीने दी जमीन नजर आई है मेरा दिल कहिंदा अब्बास की कहिंदा होवेगा मदीने दी जमीन ते बैठे मदीने दी खाक पकड़ ली होवेगी हजरत अवैस की कहिंदे होणगे तेनू चुम चुम अखियां नाल लावां नी मिटिए मदीने दिए तेनू चुम चुम अखियां लल लावां मिटिए मदीने दिए लख बार सदकड़े मैं जावां मिटिए मदीने। दोस्तों ने मोहतरम जिन्हों मदीने नाल प्यार है हजरत वैसे करनी चलदे चलदे लजपाल नबी दी बारगाह चाहे ते दिल दे अंदर ख्याल पे आउंदा है घर जावा जां मस्जिद जावा, कर जावा या मस्जिद जावा मजबूर हो गए ते दिल ने तसल्ली दे के क्या के हुजूर दे घर चला जा। लजपाल नबी दे घर दस्तक दरवाजा खटखटाया अंदरों आवाज आई कौन हजरत अवैसे करनी ने अर्ज की मैं मुस्तफा दा गुलाम अवैसा ते करन दे इलाके चो आया ते जदों ये गल की ते अगो आवाज की मिली कि अवैस किवें आए आख्या मुस्तफा दी जियारत कर हुजूर घर नहीं की जवाब मिला हुजूर घर नहीं ते मां याद आ गई हजरत अवैस नु कौन याद आया सानू ही चाहिए असि भी मामा नु याद रखिए जिंदा होण ते उन्हां दे नाल प्यार करिए उन्हां दा ख्याल करिए उन्हां दे नाल उन्हां दा दिल जिहड़ा उहनू उच्चा करके रखिए कि मां दा दिल नाराज ना हो जाए या मां दा दिल या बाप दा दिल नाराज हो जाए ते अल्लाह नाराज हो जांदा इबादतां बेकार हो जांदियां ने। दोस्तों ने मोहतरम तवज्जो करया जे जदों आवाज आ गई अवैसा का घर कोई नहीं आका घर कोई नहीं हजरत अवैस दा दिल टुटिया बोझल कदमां नाल चलदा चलदा वापस आ गया आके अपने दरवाजे नु जदों खोलिया घर दे अंदर आ गया कदम लगे ने मां नु पता चल गया लगदा है मेरा पुत्र आ गया। तवज्जो करया जे मुसलमानो मेरे ले ध्यान रखिया जी हजरत अवैसे करनी दी मां ने बाजू फैलाए ने बाजू फैला के फरमाया अवैसा आ गया है अर्ज कर दे ने अम्मा जी आ गया मां हजरत अवैस दी अखां दे अंदर आंसू पै चलदे ने मां ने पुछिया अवैस नबी नु मिल दे वास्ते गया से दस की बनया हजरत अवैस अर्ज कर दे अम्मा मेरी मुलाकात कोई नहीं हुई अल्लाह दे नबी दे नाल मेरी मुलाकात कोई नहीं हुई हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु अखां दे अंदर आंसू ने रोई आंदे ने मां ने आख्या पुत्रा रोना मैं तेरी मां दुआवां देनी आ सारी दुनिया मुहम्मद दा जिक्र करे उस नबी दा जिक्र करके अपना कलेजा ठारांगे पर अवैस मैं तेनू दुआ देनी आ जेड़े नबी नू मिलन गया से ओ नबी अपने गुलामा विच बह के तेरा जिक्र करके अपना सीना ठारे ओ
नबी अपने गुलाम च बह के तेरा जिक्र करके अपना सीना ठारिया करेगा। यार वो किड्डे नसीबा ले गुलाम ने जिन्हों का जिक्र नबी करे। अल्लाह करीम लजपाल नबी का सदका है महफल सजाने वाले की मेहनत को अल्लाह अपनी बार गई कबूल फरमाए और इन्हों अल्लाह करीम अजर अजीम अता फरमाए। इन्हों फसलों लाइया तो अल्लाह करीम इन्हों फसलों के अंदर भी बरकत अता फरमाए। आखिर ते मुहब्बत नाल तुसीं मेरे नाल शेर पढ़ना है ते शेर पढ़ना है बड़ी मुहब्बत नाल ताकि पता चले कि हजूर के गुलामों ने पूरे प्यार नाल महफल नूं समाप्त किया। हजरत अमीरे मुआविया के बारे दोस्त अहबाब ने गल की है, लोग उन्होंने मुखालफत करते हैं लेकिन जो मुखालफत करते हैं ना उन्हों मुखालफत दुनिया से तरिया दरिया रह जाए ने जिन्हों अल्लाह का नबी प्यार करे जनती ने सारे बोलो की ने नबी दे सहाबा जनती ने। मैं तुम्हें गल सुना देना जिंदे अंदर नबी का हजरत अमीरे मुआविया का भी जिक्र आएगा तो हजूर अली सलात वसलाम के नवासे इमाम हसन का जिक्र आ जाएगा। इमाम हसन रजी अल्लाह तआला ने मुल्क शाम गए तवज्जो करया जी यार मुल्क शाम गए मुल्क शाम दी जड़े आप सन उथे सारी खिलाफत संभाली हुई सी ते हजरत अमीरे मुआविया दा जड़ा शाही परौना सी ना वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नवासा है शाही मेहमान ते हजरत अमीरे मुआविया रजी अल्लाह तआला नु खजूर दे दरख्त थल्ले बैठे ने तवज्जो करया जे गल बड़ी जबरदस्त जी खजूर दे दरख्त दे थल्ले बैठे ने ते हजरत अमीरे मुआविया दे नाल प्यार भरे लहजे च अर्ज करदे ने ए नवासा ए मुस्तफा एक गल करनी जरा जवाब दिया जे जेड़ा काम तुहाडा नाना कर लैंदा सी तुसी भी कर लैंदे जी जेड़ा काम तुहाडा नाना कर लैंदा सी तुसी कर लैंदे जी ते इमामे हसन ने कहा कि सीधी सीधी जरा गल करो पुछना की जांदे जी। हजरत अमीरे मुआविया ने कहा भी पुछना यह चाहना कि नबी गैब दियां खबरां देंदे सन ते मैं तुहाडे कोल पुछना चाहना खजूर जिहड़ी थल्ले आपां बैठे आं इहदे लई वेखना इहदे उत्ते वेखना बगैर वेखण तो दसना जे खजूर ते किन्नियां खजूरां लगियां ने बगैर वेखण तो दसना जे किन्नियां खजूरां ने। हजरत अमीरे मुआविया दा सवाल जवाब दिता नवासे ने लजपाल नबी दे नवासे ने फरमाया मीरे मुआविया जड़ी खजूर दे थले तुसी ते मैं बैठे हां इस खजूर दे उत्ते 24,400 ते 24 खजूरां लगियां ने। ए नहीं क्या मेनू पता नहीं ए क्या हजरत अमीरे मुआविया दो बंदे सदे फरमाया आओ भाई खजूर ते चढ़ जाओ खजूरां ला के थले सठो खजूरां ला के सारियां थले आ गईयां। हजरत अमीरे मुआविया फरमांदे ने काउंटिंग शुरू करो गिनना शुरू कर दिता गिनदिया गिनदिया जदों गिनियां गईयां जेड़े गिनन वाले सन उन्होंने कहा अमीरे मुआविया खजूरां दी तादाद 24,400 ते 24। हजरत अमीरे मुआविया ने कहा या हसन गिनियां साजे फरमाया नहीं ते फिर किमें फरमाया किमें कुएं दा पता नहीं किमें कुएं दी कल दी खबर नहीं ओए जिन्नियां नबी दे नवासे ने मुंह चो कढ़नियां सन अल्लाह ने ओनियां कर देनियां सन। नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसाला नारे रिसाला नारे हाजरी नारे हाजरी अक्की ठंडक दिल दा जान अक्की ठंडक दिल दा जान ताजदारे खत्मे नबूवत ताजदारे खत्मे नबूवत लब्बैक 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 लब्बैक। इमाम हसन फरमांदे ने अमीरे मुआविया किवें कुएं दा पता नहीं जिन्नियां नबी दे नवासे दे मुंह चो निकलियां सन अल्लाह ने ओनियां फरमाया किवें फरमाया सी सादे कां
साढ़े मुँह झूठ निकलता जेड़ी करिए रब तकदीर बना देंदा है। दोस्तों आखिर ते मेरे नाल शेर पढ़िया जे ते मुहब्बत नाल पढ़िया जे, जे थोड़ा जा अपने हाथों हरकत दे लोगे तो बड़ा जबरदस्त मजमे के अंदर जो जौक बनेगा। बेली कैमरे वाला कैमरा घुमाएगा थोड़े लिए और तुहानू सारयां नू कैमरे के अंदर कैच करेगा। हाथ बुलंद हो जाएंगे, हाजिरी हो जाएगी ताकि क्यामत नू अल्लाह दी बारगाह साढ़े हाथ भी गवाहियां दे। तू यो साडा चैन ते करार सोनिया, तू यो साडा चैन ते करार सोनिया, तेरे नाल वसदी बहार करार सोनिया, तू यो साडा चैन ते करार सोनिया, तेरे नाल वसदी बहार सोनिया। अल्लाह करीम लजपाल नबी का सदका तुहाडा माफल दे अंदर आना, साडा पढ़ना पढ़ाना, दोस्त अहबाब दे मेहनत करना अल्लाह करीम अपनी बारगाह कबूल मंजूर फरमाए। आमीन बिजाह नबी करीम।